There's a lot of chances कि वो वापस बार्सिलोना आता है। Obviously सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है and obviously this brings back memories. Lewandowski is just a striker, Messi is the whole system. Pedri, De Jong and Gavi. इसमें से कौन sacrifice करेंगे? उसको भाई long term के लिए ही लिया होगा. Doesn't make sense to buy him for the short term. I think बार्सिलोना इस टाइम पे थोड़ी stable condition में है. But इसके implications क्या हो सकते हैं? क्या pros and cons होंगे? What's up everybody? Welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. और आज हम एक ऐसी न्यूज कवर करने वाले हैं जो कि आधे फुटबॉलिंग वर्ल्ड के इमोशन से खेल रही है. Messi back to Barcelona, is this really a possibility? Let's find out. तो यार पहले जल्दी से एक जिस्ट दे दें कि एक्चुअली में सीन चल क्या रहा है. अभी 2-3 दिन पहले ही जेराल्डो रोमेरो ने मतलब पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड को हिला डाला है. फिर से वो ऑडियन नेचर के साथ वो बोल रहा है कि भाई बिलीव इट और नॉट, मेसी इज नॉट गोइंग टू रिन्यू विद PSG एंड देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि वो वापस बार्सिलोना आता है. इफ इंटरेस्टेड Barcelona will immediately start with this operation. बट अभी लेटेस्ट न्यूज ये भी आई है कि फैब्रिजियो रोमानो ने फिर से बोला है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, PSG के साथ ही वो मीटिंग्स रखेगा वेरी सून एंड एज एक्सपेक्टेड जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होना था वो होके ही रहेगा. तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग रिपोर्ट्स है. जेराल्डो रोमेरो ने अपना स्टैंड ले रखा है, फैब्रिजियो रोमानो ने अपना स्टैंड लिया हुआ है. किसको बिलीव करें किसको नहीं करें, क्या होने वाला एग्जैक्टली नोबडी नोज. बट हम यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए बैठे हैं क्योंकि पर्सनली एज अ मेसी फैन एज अ बार्सिलोना फैन आई वांट दिस टू हैपन. बट इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, अगर आएगा तो कैसे फिट होगा टीम में, सब डिस्कस करेंगे अभी. So start करते हैं with the very famous narrative कि अगर बार्सिलोना में वापस आएगा मेसी तो that will mean that Barcelona is going backwards. मतलब बार्सिलोना को move on कर जाना चाहिए मेसी से and this is not the best decision in the club's favor. What do you think? यार देखो मेरे को लगता है कि मेसी अगर बार्सिलोना वापस आ गया तो to some extent चाहे चावी कितना भी अच्छा मैनेजर हो वो sort of dependency create हो ही जाएगी मेसी पे. And to be honest it's kind of fair क्योंकि यार इतना बड़ा प्लेयर अगर होता है आपके क्लब में तो sort of dependency create होता ही है. हमने रोनाल्डो में देखा है, मेसी में देखा है, टाइम एंड टाइम अगेन होता ही होता है. तो आई थिंक फिर से प्लेयर्स में वही हो जाएगा कि भाई पास द बॉल टू मेसी और फिर देखते हैं कि मेसी क्या कर पाता है. तो इन टर्म्स ऑफ स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट आई थिंक बार्सिलोना इस टाइम पे थोड़ी स्टेबल कंडीशन में है. दे आर गोइंग समवेयर विद चावी. आई डोंट थिंक इस चीज को रूइन करना चाहिए. देखो मेरा ओपिनियन इसमें ऑब्वियसली विल बी फ्यूल्ड बाय अ लॉट ऑफ पर्सनल बायस सो आई विल पुट दैट स्ट्रेट आउट. ठीक है, इसको कोई दिल पे ना ले या फिर कोई बुरा माने या अच्छा भी ना लगे किसी को इतना ज्यादा. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आई वांट मेसी बैक इन बार्सिलोना आल्सो बीइंग अ फैन. अब क्यों मुझे देखो इसमें ऐसा लगता है एंड सी आई नो दैट व्हाट यू जस्ट सेड इज अ वेरी पॉपुलर नैरेटिव अमंग्स द कूलर्स राइट नाउ. इन माय ओपिनियन I feel that यार मेसी जिस भी टीम में आएगा उसको अच्छा ही बनाएगा. ये मतलब हमने देखा है, हमेशा होता आ रहा है, हमेशा होता रहेगा. चाहे वो मतलब अर्जेंटीना है जीत गया वर्ल्ड कप, बार्सिलोना को 4 UCL जिताए हैं, PSG के साथ हाँ बहुत अच्छी हो गई है, बहुत फाइनली दे आर लुकिंग लाइक अ टीम. सो आई बिलीव दैट दिस नैरेटिव कि मेसी आएगा तो बैकवर्ड्स चली जाएगी इसका एक पार्ट यही होता है जो कि मेरे ख्याल से इज टोटली बेसलेस. सेकंड पार्ट ये आता है कि भाई वो 35 ईयर्स ओल्ड का है, प्रॉब्ली 36 ईयर ओल्ड की एज में आएगा वो. फिर वहां से अगर मानो 2 साल और खेलता तो ही विल बी 38 बाय द टाइम ही इज डन विद दिस कॉन्ट्रैक्ट. इस बात में थोड़ा बहुत सेंस है कि do we really want to be dependent on a guy who is 38? Exactly. But my counter to that will be कि इसका भी counter मुझे पहले से पता है क्या होने वाला है. मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं? मेरा ये कहना है यार कि अभी हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है गोल स्कोरिंग के लिए? लेवांडोव्स्की. बिलीव इट और नॉट व्हेन लेवांडोव्स्की इज नॉट प्लेइंग वी आर स्ट्रगलिंग टू स्कोर गोल्स. वी सॉ दिस अगेंस्ट गटाफे एज वेल जो वीकेंड पे मैच हुआ था. भाई अगर वो भी 34-35 साल का बंदा है उसके ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं एंड इसका काउंटर आर्गुमेंट जो पहले क्या था वो यही होगा कि यार लेवांडोव्स्की इज जस्ट अ स्ट्राइकर, मेसी इज द होल सिस्टम. वो कैन प्ले मेक कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, स्कोर भी कर सकता है. सो ऑब्वियसली डिपेंडेंसी का फैक्टर मेसी पे ज्यादा होगा. एग्जैक्टली ट्रू. बट इन माय ओपिनियन भाई अगर जो हम लोग कह रहे हैं कि चावी इतना स्मार्ट है या जो भी है, बार्सिलोना इज फाइनली गेटिंग समवेयर, ये जितने भी नैरेटिव्स हैं अगर ये सही में इन प्लेस होते तो क्या हम लोग एक 34 ईयर स्ट्राइकर को लेते तो फिर हम लोग मेसी को क्यों नहीं ले सकते? इन माय ओपिनियन इट वाज करेक्ट टू साइन लेवांडोव्स्की एंड इट विल आल्सो बी करेक्ट टू साइन मेसी फॉर श्योर. मुझे ऐसा भी लगता है कि वी आर काइंड ऑफ अंडरएस्टिमेटिंग द पोटेंशियल डू ऑफ मेसी एज अ प्लेयर एंड चावी एज अ मैनेजर एंड आई ट्रस्ट चावी इनफ टू मेक श्योर कि भाई डिपेंडेंसी मेसी के ऊपर नहीं आएगी इतनी. In fact, I believe that जो ambience है, जो environment है, that will be created around Messi in the likes of Pedri, De Jong, Gavi, wings पे youngsters होंगे Rafinha, Torres, Ansu Fati, Dembele. I mean लेवांडोव्स्की को छोड़ के even defenders सब सारे नए नए आ गए भाई, कुंडे आ रहा हुआ है, सब young है. तो they will even enable I would say Messi to a newer ability कि उसको भाई और अच्छे से free होकर खेलने दे, enjoy करने दे and that will obviously bring out the best output out of Messi in my opinion. Okay, fair enough. चलो ठीक है, अगर हमने मान लिया कि Messi आ जाता है as you said, इतने सारे यंगस्टर्स हैं, इतने सारे नए नए प्लेयर्स हैं, तो यार अब इस चीज के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इन माय ओपिनियन एंड दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन एज अपोज्ड टू द प्रीवियस वन कि भाई मेसी को नहीं लाना चाहिए, वो सब बकवास मुझे नहीं लगती. बट ये क्वेश्चन वैलिड है क्योंकि ऑब्वियसली मेसी आएगा, समबडी फ्रॉम द अटैक और द मिडफील्ड हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड, फॉर्मेशन से भी चेंज होंगे, हम भी डिस्कस करेंगे किसको सैक्रिफाइस करना चाहिए. आई थिंक सैक्रिफाइस करना किसी से चाहिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैक्रिफाइस किसे करना पड़ेगा क्योंकि आई डोंट थिंक कि अभी चावी का सिस्टम चल रहा है उसमें आई डोंट थिंक ऐसा कोई प्लेयर है जैसे सैक्रिफाइस करना चाहिए टू बी फेयर क्योंकि डेम्बेले इज ऑल्सो फायरिंग राइट नाउ, लेवेंडोस्की होगा नहीं। एंड अगर हम मिडफील्डर्स की बात कर लें, क्योंकि मेसी एसेंशियली इज अ मिडफील्डर ओनली, तो यार चलो बुस्केट्स चला जाएगा मान लो इस सीजन, देन पेड्री, डे जोंग एंड गावी, इसमें से कौन सैक्रिफाइस करेंगे? भाई मेरे लिए आंसर बहुत स्ट्रेट है और ये बहुत पर्सनल फ्रस्ट्रेशन से फ्यूल हो रहा है आंसर, डेम्बेले को निकालो। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। भाई ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग यार, आई कांट टॉलरेट हिम। लाइक मैं कितने टाइम से देख रहा हूं, हमेशा लगता है कि इतना प्रॉमिसिंग है। फर्स्टली आई डोंट थिंक ही इज वर्थ द मनी दैट ही इज गेटिंग। ओके सेकंडली इज इंजरी प्रोन। आई नो इस साल थैंकफुली इस सीजन में इतनी इंजरीज नहीं हुई है, जो भी है कंसिस्टेंटली खेल रहा है, बट यू नेवर नो, एन इंजरी माइट बी जस्ट अराउंड द कॉर्नर। मे बी ही कैन प्ले ऑन द राइट विंग शायद, मे बी ही कुड, बट लाइक देन वी आल्सो हैव से फरहान टोरेस, Ansu Fati, and I would rather back them more than Dembele. Also, given the financial health of the club, I would say कि Dembele को निकालना would be the more wise decision. So Dembele, for me, the most frustrating player, निकाल दो उसको. I need players with better attitude, more willingness to play, and in that I see Ferran Torres, क्योंकि Ferran Torres की भाई अभी he is also young, and I can't help but believe कि उसको भाई long term के लिए ही लिया होगा. Doesn't make sense to buy him for the short term. मतलब अगर वो करा तो मुझे नहीं समझ में आया Xavi क्या चाहता था. So I'll assume that, and I would say, and also in Xavi's own words, he says that Ferran Torres is not scoring maybe, but he does a lot of other things on the pitch correctly. So I would back that. Ansu Fati का भी I am in doubt, क्योंकि भाई वो कब hit करेगा potential, can he be a starter? Things are not really going forward. But I still think that he is way more impactful than Dembele in my opinion. Okay. And Dembele being preferred on the right wing, direct replacement Messi हो सकता है उसका. तो मेरे लिए Dembele रहेगा. अब इस पे subjective है, इस पे आपके opinions हो सकते हैं. Please do share it in comments. But यहाँ से हम आते हैं अपने next part पे वीडियो के, which is कि अगर Messi आता है तो how will he fit in the system? क्या changes करने पड़ेंगे चावी को, क्या फॉर्मेशंस खिलानी पड़ेगी जिससे कि मेसी फ्लरिश कर पाए? तो यार मेरे ख्याल से बेसिकली चार सेटअप्स हो सकते हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी। पहला होगा जो ट्रेडिशनल होता है बासा का 4-3-3, राइट? क्या लगता है यार 4-3-3 में द प्रॉब्लम इज कि मेसी इज नॉट एन आउट एंड आउट विंगर राइट नाउ, एंड स्ट्राइकर नहीं खेलेगा क्योंकि लेवेंडोस्की है। एग्जैक्टली। तो यार देखो अगर राइट विंग खेलेगा वो तो ऑब्वियसली वो कट इनसाइड करेगा, एंड द थिंग इज कि अगर कट इनसाइड करेगा तो राइट विंग पे से हमारे पास सिर्फ एक फुल बैक बचेगा डिफेंड करने के लिए, अटैक करने के लिए, जो भी होगा। एंड आई डोंट थिंक बार्सिलोना के पास ऐसा कोई अभी फुल बैक है। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर होगा भी तो बहुत ज्यादा वेकेंट हो जाएगी राइट पोजीशन, एंड बहुत ज्यादा यू नो वल्नरेबल हो जाएगी। मतलब भाई मुझे लगता है कि अभी हमारे पास अगर आप देखें, हमारे पास कौन राइट बैक पे कोंडे खेलता है, अराहो खेलता है मोस्टली, कभी कभी वो अपने अलोंसो खिला देते हैं, वो तो मेरे को समझ में आता है कहां से आ गया बार्सिलोना। बाल्डे को आई डोंट वांट हिम टू बी फोर्स्ड टू प्ले ऑन द राइट बैक पोजीशन, तो सर्जियो रोबर्टो बनता है, बट वी हैव टू मूव पास्ट हिम आल्सो एट सम पॉइंट। सो हां भाई एक अटैकिंग फुल बैक जैसा डैनियल में सोचता था वो हमारे पास नहीं है अभी, एंड बिकॉज अगर मेसी खेलेगा राइट विंग पे ही विल इवेंचुअली प्ले एज अ फॉल्स विंगर, जो कि बीच में आ जाएगा एज यू सेड, एंड वहां से आके प्ले मेक करेगा सेंट्रली। सो वो जो खाली स्पेस है उसको कवर करने के लिए एक फॉरवर्ड गोइंग हमें फुल बैक चाहिए था। बेस्ट हो सकता था पोटेंशियल, बट ही आल्सो कुड नॉट परफॉर्म एज रिक्वायर्ड। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसलिए आई थिंक अकॉर्डिंग टू अस ये फॉर्मेशन तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मेशन पे आते हैं, द नेक्स्ट थ्री फॉर्मेशंस कैन बी मोर प्लॉसिबल। द नेक्स्ट फॉर्मेशन विल बी 4-2-3-1। ओके यहाँ पे एक बहुत ही ऑब्वियस फिक्स मिलता है मेसी के लिए, व्हिच इज द कैंप पोजीशन एज द अटैकिंग मिडफील्डर। लेफ्ट विंग राइट विंग पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्ट्राइकर पे ऑब्वियसली लेवेंडोस्की होगा। इसका ड्रॉबैक इन माय ओपिनियन ये है कि सिर्फ दो मिडफील्ड के स्पॉट्स रहते हैं, एंड या पोटेंशियली पेड्रो गावी में से हमें कुछ ना कुछ, या इवन डे जोंग उनमें से कुछ ना कुछ हमें सैक्रिफाइस करना है। ऑल्दो आई वुड से कि डे जोंग के लिए ये फॉर्मेशन बेस्ट रहती है, ही लव्स टू प्ले इन अ डबल पिवट, जैसे कि हमने नेदरलैंड्स में देखा था, आईएक्स में देखा था, जहां पे एक वो प्रॉपर डीएमएफ के साथ यू नो ही कैन प्ले ऑफ ऑफ हिम, वहां से फिर वो फ्रीली मूव कर सकता है, बॉल कैरी कर सकता है। बट वही बात है कि डू वी रियली वांट टू सैक्रिफाइस द मिडफील्ड टैलेंट दैट वी आर फाइनली हैविंग? एग्जैक्टली। आई थिंक इसलिए ये वाली फॉर्मेशन भी काइंड ऑफ रेड लाइट हो जाती है, अनलेस वी स्टार्ट प्लेइंग पेड्री और गावी एट सर्टेन टाइम्स ऑन द लेफ्ट मिड, बट वो भी बहुत ज्यादा मुझे पॉसिबल लगता नहीं है। तो यहाँ से हम अपने नेक्स्ट फॉर्मेशन में आते हैं, व्हिच इज द 3-4-3। ओके इसके बारे में क्या लगता है? या 3-4-3 में अगेन आई विल से कि प्रॉब्ली आपको विंग बैक्स वैसे चाहिए होंगे, बाल्डे में भी ऑन द लेफ्ट विंग, बट राइट विंग पे कौन होगा अनलेस अंटिल आपको एक अच्छा प्लेयर लाते नहीं तब तक, क्योंकि कुंडे जो है वो नेक्स्ट सीजन में एज अ राइट बैक नहीं खेलने वाला, सेंटर बैक ही खेलेगा। एंड राइट में इफ यू आर प्लेइंग डेम्बेले, क्योंकि हमने देखा एट टाइम्स डेम्बेले जो है वो विंग बैक खेलता है, बट द प्रॉब्लम इज कि डेम्बेले इज फाइनली इंजरी फ्री काइंड ऑफ, एंड सिंस चावी भी थोड़ा विश्वास करता है काइंड ऑफ डेम्बेले पे, तो आई थिंक वो कहेगा कि यार अगर मैं अच्छा खेल रहा हूँ, आई एम रैकिंग अप सो मच गोल्स एंड असिस्ट, नॉट गोल्स वैसे असिस्ट, तो फिर मेरे को क्यों नहीं चांस दिया जा रहा आगे खेलने के लिए? तो आई थिंक वहाँ पे वो प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं तो मेरे अकॉर्डिंगली तो डेम्बेले ही स्केपगोट बनेगा फॉर मेसी टू कम, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। आई वुड से इन 3-4-3 जो हमने अभी ऑफलेट देखा है कि चार मिडफील्डर्स खिलाने लग गया चावी कुछ मैचेस में, कैन वी एक्सपेरिमेंट विद दैट, वेयर इन वी वुड रियली सी कि बुस्केट्स और डे जोंग एज अ डबल पिवट काम करते हैं, और फिर मतलब मे बी वी कैन ट्राई ऑन द ईदर साइड, एक बाल्डे हो जाएगा, एक साइड पे पेड्री हो सकता है, कभी गावी हो सकता है। ऑल्दो दोनों इफ दे विल प्ले ऑन द विंग दे विल प्रेफर टू प्ले ऑन द लेफ्ट साइड, तो बाल्डे भी वहां पे है, तो देन अगेन दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर श्योर। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि यार गावी पेड्री अब दोनों मैच्योर हो रहे हैं, तो प्रॉब्ली दोनों अब गेम टाइम मांगेंगे फुल, लाइक एज अ स्टार्टर चाहेंगे। आई डोंट थिंक गावी का अभी एकदम सी बना देंगे starter. I think he can still have 1 or 2 seasons more as a super sub in my opinion. But हाँ पेड्री के लिए तो for sure. तो हाँ यहाँ पे भी थोड़े से contradictions होंगे, which is why I think the most possible, the most suitable formation if Messi arrives would be the 4-4-2 formation. Exactly. क्योंकि यार यहाँ पे 4 midfielders के slots हैं, 4 हमारे पास defenders भी हैं. Up top we can play Lewandowski and as a second striker Messi हो सकता है. बाल्डे भी खेल सकता है, एक राइट बैक पोजीशन पे भी एक बंदा खेल सकता है, which can be defensive option because हमारे पास राइट मिड पे एक बंदा आगे भी available है. अगर if we say कि बुस्केट्स जाता है या फिर even if he stays, then बुस्केट्स and डियोंग can play as the double pivot बीच में. Right, right. Wings में हमारे पास from time to time पेड्री, गावी, उन सबको हम लोग मतलब कर सकते हैं. रफीनिया भी हो गया, आंसू फाटी भी हो गया, सबको रोटेट कर सकते हैं. So मुझे लगता है कि यही सबसे ज्यादा plausible formation लग रही है if Messi happens to come. यहाँ पे भी हम लोग को थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे एंड ऑब्वियसली कुछ लोगों का गेम टाइम सैक्रिफाइस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मिडफील्ड पे हर किसी को अपने प्रेफर्ड पोजीशन पे खेलने को नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली. बट भाई दैट इज व्हाट यू डू व्हेन मेसी कम्स. एंड आई थिंक कि 4-4-2 में बस जो मेजर ड्रॉबैक है वो बस ये है कि इट इज एसेंशियली अगेंस्ट द सिस्टम दैट बार्सिलोना प्लेस ट्रेडिशनली. लाइक द लास्ट टाइम वी सॉ दिस वाज अंडर वाल्वर्डे, जब वो नया नया आया था अराउंड 17-18 में, एंड पीपल स्टार्टेड अक्यूजिंग बार्सिलोना ऑफ लूजिंग देयर टच, वो अपने सेंस में नहीं खेल रहे, मैजिक में नहीं खेल रहे. बट दैट्स द थिंग कि अगर 4-4-2 में अगर चल जाता है मेसी, जैसे हमने देखा था 18-19 में चला तो था अल्टीमेटली, तो भाई सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही गए थे. उसमें भी अगर चोक नहीं करते तो प्रोबेबली यार एक ट्रेबल सीजन भी देख सकते थे. तो इफ थिंग्स वर्क आउट, इफ चावी इज एबल टू मेक थिंग्स वर्क, देन प्रोबेबली यही फॉर्मेशन होनी चाहिए. इवन इसमें भी ना एक हाइब्रिड फॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि 4-4-2 ऑन पेपर है, बट जब हम अटैक में हो या फिर मतलब ट्रांजिशन हो, तो हम लोग यूजुअली क्या कर सकते हैं कि मेसी कैन एक्ट एज अ अटैकिंग मिडफील्डर, राइट, एंड जो विंग्स पे है एलएमआरएम को थोड़ा ऊपर पुश कर जाए, तो एसेंशियली एक 4-2-3-1 में भी मॉडिफाई हो सकती है इफ नीडेड. तो आई थिंक दिस फॉर्मेशन विल गिव सम फ्लेक्सिबिलिटी. हमने अर्जेंटीना के साथ भी यही देखा है मोस्टली, व्हेन डी मारिया प्लेज और लो सेल्सो खेलता है लेफ्ट मिड पे, राइट, तो वो कई बार ऐसी ऑपरेट भी करते हैं, राइट. तो आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इफ चावी इज विलिंग. एंड यहाँ से हम लास्ट पार्ट पाते हैं वीडियो के, व्हिच इज Do you want this to happen? As a Real Madrid fan, obviously I don't want this to happen. But अगर मैं एक बार्सिलोना फैन के पर्सपेक्टिव से भी कहूँ, देखो यार obviously सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, and obviously this brings back memories, मेसी को देखना. As a Real Madrid fan, रोनाल्डो यहाँ पे आ जाए Real Madrid में, उससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं चाहूँगा. But then again, in my opinion, I think that Barcelona should probably move on from Messi now, and they shouldn't just fall back in that trap. Trap मतलब ऐसे सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेसी ऐसा ट्रैप है तो फिर क्या ही. But then again, I feel that they should probably move on now. यार मेरा opinion वही रहेगा जैसे मैंने पहले कहा था, आई वॉन्ट हिम टू कम बैक. एंड वन मोर पॉइंट दैट आई वुड ऐड टू दिस इज कि जो लोग कह रहे हैं कि ही विल यू नो पुश द क्लब बैकवर्ड्स, ऑन द कॉन्ट्री, व्हाट इफ नाउ दैट ही इज कमिंग बैक ही विल बी अ लीडर फिगर इन द ड्रेसिंग रूम फॉर श्योर, एंड ही नोज द क्लब इन एंड आउट, उससे बेटर कौन ही जानता है. मे बी ही कैन ऑल्सो हेल्प यंगस्टर्स, एज ऑल्सो मेंशन्ड बाय पेड्री व्हेन ही रिसीव्ड दैट गोल्डन बॉय अवार्ड. उसने खुद उस सेरेमनी में कहा था, व्हेन मेसी बेसिकली गॉट हिज 7th बैलन डॉर, उस सेरेमनी में कि दैट ही वुड लाइक टू थैंक मेसी बिकॉज ही हेल्प्ड हिम अ लॉट इन सेटलिंग डाउन इन बार्सिलोना, इन अंडरस्टैंडिंग हाउ दे प्ले, इन helping his own play, you know, rise level up. तो वही मुझे लगता है कि he will help these youngsters transition into men essentially and the next leaders of the team. And यहाँ पे मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि मेसी कैसे डिपेंडेंसी बनेगी, मे बी आई थिंक दैट देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि मेसी टीचेस दीज प्लेयर्स टू प्ले इंडिपेंडेंटली, एंड यू नो लाइक आगे जाके उसके बिना कैसे क्लब को लीड करना है, कैसे गेम प्ले चलेगा, वो सब वो सिखा के जाएगा यार, उनका सेंस दिखा के जाएगा उस चीज़ों को. तो आई थिंक इट इज अ वेरी पॉजिटिव डिसीजन इफ इट हैपेंस, एंड यू माइट कॉल मी डिल्यूजनल जो भी है, फैनबॉय जो ये बोल लो, जाके इलाज कराओ, बट आई ऑब्वियसली लुक एट द पॉजिटिव साइड. एंड सो फॉर मी भाई, इफ इट हैपेंस प्लीज मेक इट हैपन, ऑल्दो जो भी होता है आई डोंट वांट यू गाइस टू यू नो गेट ऑल हाइप्ड अप, सब लोग का फिर दिल दुख जाए. सो कोई भी कंफर्म नहीं है, अगर होता तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी होता तो आई विल बी हैप्पी फॉर मेसी. ओके, so that's it for today guys, we hope you like the video, do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो. और आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या आप चाहते हैं पर्सनली कि मेसी बार्सिलोना वापस आए. Besides हम Twitter, Instagram और Facebook पे भी हैं, तो हमें वहाँ पे भी चेक कर लो. And we'll see you guys in the next video.